रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अभी अभी प्रवचन दे रहे थे धर्मगुरु, तभी गुस्सा आतंकी धमाके में उड़ा दिए 8 लोग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। हमला उस वक्त हुआ जब सोमवार को 2000 से ज्यादा मौलवी और धर्मगुरु आतंकवाद के खिलाफ और शांति स्थापित करने के लिए हो रही एक बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आंच का है। बता दें, शीर्ष धार्मिक संस्था ने एक फतवा जारी करते हुए इस्लामिक कानून के तहत आत्मघाती हमलों को हराम करार दिया है। इस बैठक में अफगान उल्लेमा काउंसिल के सदस्यों की एक सभा में फतवा जारी किया। काउंसिल में मौलवी, विद्वान और धर्म और कानून से जुड़े लोग शामिल हैं। काउंसिल ने अफगान सरकार की सेना और तालिबान अन्य आतंकवादियों से लड़ाई रोकने और संघर्ष विराम पर सहमति बनाने की अपील की। उसने दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता का भी आह्वान किया।